अस्सलाम वालेकुम, अर्ज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सना सलीम। नाजरीन, कोयटा आए और कोयटा का मशहूर रोश न खाएं ऐसा हो नहीं सकता। कोयटा के एक निवाही इलाके कुचला के एक होटल में बनने वाला लजीज रोश, जो लज्जत में अपनी मिसाल आप है, ये कैसे बनता है और क्यों इतना पसंद किया जाता है, ये आज हम आपको दिखाते हैं। तो आए चलते हैं। पाकिस्तान का हर इलाका अपनी मुनफरद सकाफत और अपने रिवायती खानों की वजह से मशहूर है। बलूचिस्तान भी रोश जैसे रिवायती खाने और अपने लजीज जायकों के बायस बेहद मशहूर है। बकरे और दुम्बे के गोश्त से तैयार किया जाने वाला रोश लज्जत में अपनी मिसाल आप है। रोश का तो ये कि सैंपल से खा में इसका थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होता है। गोश्त गोश्त अच्छा क्वालिटी का नरम किस्म का गोश्त होना चाहिए। बाकी जो है ना इसका पकाने का तरीका यही है कि कम से कम 2-3 घंटे जो है ना ये दम पे रखा जाए। बाकी ऐसी सिंपल सी चीज। ये लजीज रोश अपने जायके की वजह से ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग खास यहाँ खाने आते हैं। तकरीबन पूरे पाकिस्तान से आते हैं और बल्कि उनके जो है कोई रिश्तेदार दूसरे तीसरे जो बाहर मुल्कों से आते हैं फिर वो भी लेकर आते हैं। दुबई होटल पूरे बलोचिस्तान में सबसे ज़्यादा मशहूर भी है। बड़े बड़े दावतें भी इधर होते हैं। अक्सर रोस्ट और कढ़ाई इसके बहुत ज़्यादा रोस्ट तादाद के मुताबिक बड़ा होता है कि दो बंदे मुकम्मल इसके एक रोस्ट से मुकम्मल सैर होते हैं। बाकी जगहों में जो एक रोस्ट से एक बंदे का भी गुजारा नहीं होता। कोयटा का ये रोश हमें तो बहुत पसंद आया। अगर आप यहाँ आएँ तो एक बार आप भी ज़रूर यहाँ का रोश खाएँ। कैमरामैन इरशाद रबानी के साथ सना सलीम, अर्ज़ टीवी, कोयटा।